और एक भूत कहानी बताती हूँ मैं आज। हम 10th क्लास में थे, हमारा फाइनल एग्जाम फाइनल हो गया था। हमारा सेंटर जो था थोड़ा दूर में चूज किए थे सर ने। तो हमारे ज़माने में ऐसे ही होता था, मतलब घर से थोड़ा दूर होता था। सारे बच्चे के लिए उनको टेंडेज के लिए वो चावल लेके जाते थे, वो पैसा लेते थे। हम तो दिए थे 250 रुपये 10 के चावल। हमारे टाइम में ऐसे ही था, वो घर वाले मिलने भी जाते थे, रिश्तेदार भी मिलने जाते थे। हम जब जाते थे गांव वाले के सारे पैर छूके आशीर्वाद लेते थे, और वो बदले में 10-10 रुपये कोई 5 रुपये ऐसे देते थे। हम जाके स्नैक्स वगैरह खा लेते थे। हम जाके उधर रह रहे थे। एक दिन क्या हुआ, रात को 12 बज गया था। वो हमारे जो ब्रिलियंट बच्चे थे, लड़कों का दूसरा रूम था, लड़की का एक दूसरा रूम था। ब्रिलियंट बच्चे थे, बस हो गए थे, गधे बच्चे बस हो गए थे। हम जो इधर का ना रहे ना उधर का मीडियम का जो 4-5 लड़के थे, हम पढ़ाई कर रहे थे। वो 12 बजे क्या हुआ, एक पत्थर आके मेरे बुक में गिरा, खिड़की से आया एक पत्थर, छोटा सा पत्थर था। मैं फ्रेंड को बताने लगी, देखो कौन पत्थर मारा है। बोले नहीं नहीं तुम झूठ बोला, मैं दिखाया पत्थर, देखो कोई पत्थर मारा है। इतने में ऐसे कंटिन्यूसली चालू हो गया पत्थर सबके ऊपर, इधर उधर इधर उधर फुल रूम में पत्थर फैल गया। मैं चिल्लाने लगी, सारे फ्रेंड्स पीछे चिल्लाने लगे। हम सबको जाके इधर उधर मार के सबको उठाने लगे, जल्दी उठ जाओ पत्थर लग जाएगा तो मर जाओगे। हम ऐसे, हमारा सार क्या कर रहे थे, वो डोर के बाहर लड़की का रूम में, डोर के बाहर वो डोर को लग करके वो बाहर ऐसे डोर था, डोर के बाहर ऐसे वो सोते थे। वो बहुत ज़्यादा सिंसियर थे, बहुत अच्छे टीचर थे वो। उनका नाम नारायण सर है, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। वो बच्चों को लगे बहुत ज़्यादा सिंसियर है। वो बोले थे अगर किसी लड़की को जाना है बाहर, वो एक लड़की नहीं जाएगा, मुझे पहले बताएगा, सारे लड़के एक साथ में जाना है, एक एक करके नहीं जाना रात को। हम भी ऐसे ही करते थे। फिर हम चिल्लाने लगे, मैं जाके डोर जोर से धक्का मारने लगी, सर सर जल्दी उठिए, वो कोई पत्थर मार रहा है। वो जब उठे, कौन है ऐसे चिल्लाए, फिर उनको भी वही पत्थर का आवाज़ बाहर से आ रहा था। उतने में से वो डोर ओपन किए, हम सारे लड़के बाहर आ गए। वो लड़के का रूम में वो दूसरे सर थे, वो सारे लड़के सर सभी निकल आए। वो मतलब वो पूर्णिमा क्या रात थी, चारों तरफ फूल उजला ही था, सब कुछ दिख रहा था, दूर दूर तक सब कुछ दिख रहा था फुल क्लियर। एक ही छोटा छोटा वो पलाश का ट्री होता है ना, जो फूल बहुत खूबसूरत दिखता है लेकिन खुशबू नहीं होता है, वो पूजे में किसी काम में नहीं लगता। वो इतना राउंड राउंड सा उसका पत्ते होते हैं, उसको आपकी साड़ी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, हमारी साड़ी में उसको पलाश बोलते हैं। वो पलाश का ट्री छोटा छोटा एक एक जगह में होता था। वो सारे चिल्लाने लगे, जाके चारों तरफ वो दूर दूर तक वो दौड़ दौड़ के देखने लगे, लेकिन उधर कोई नहीं था। वो स्कूल के आसपास कोई घर मर नहीं था, गांव बहुत दूर था, ऐसे करके वो कोई मतलब वो किसी का वो खोज नहीं कर पाए। वो फिर क्या हुआ, वो हम लोग आगे सो गए। सुबह हुआ, हमारे सार जो थे वो गांव वालों के 3-4 आदमी को बुलाए, बोले ऐसे रात को कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, कल को कुछ हो जाएगा, किसी बच्चे को लग जाएगा, किसी को डेथ हो जाएगा, तो हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते, हम पुलिस स्टेशन में FIR देंगे उसके नाम पे। आप बताइए बदमाश लड़कों का नाम 2-4 का लिस्ट में दीजिए, हम उनके नाम पे केस करेंगे। वो लोग बोले वो लड़का तो 2-4 है, लेकिन हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं रात को 12 बजे वो पत्थर फेंकने के लिए कोई नहीं आएगा। उनको क्या मिलेगा ऐसे करके, मान लीजिए कोई गंदा लड़का है, वो गंदा काम करेगा, कोई नहा रहा है कुछ कर रहा है, वो खिड़की चुपके देखेगा तो हम मानेंगे वो कुछ लड़का आए होंगे ऐसे करते। लेकिन वो रात को 12 बजे वो पत्थर फेंक के उसको क्या मिलेगा, वो लड़का नहीं है, वो ये स्कूल पहले से बदनाम है, आप ये स्कूल में क्यों आए। हमारे सर बोले बदनाम का मतलब क्या है, आप ही का गाँव का स्कूल है, आप ही का गाँव का लोग उसके बदनाम कर रहे, तो आपको सॉल्व करना है। वो बोले सर ऐसी बात नहीं है, मतलब वो डेथ का कहानी बताए, वो भूत का कहानी बताए, ये स्कूल में कोई भी बच्चा नहीं रहता, इस एरिया में कोई भी इधर नहीं रहता, दूर दूर में बच्चे रहते हैं, चाहे उनको सेंटर कितना भी दूर हो वो पैदल जाते हैं, मुश्किल होता है उनको, फिर भी ये स्कूल कोई चूज नहीं करता, ये स्कूल इतना बदनाम है भूत के लिए। वो हम ऐसे सुन रहे थे इंटरेस्ट के साथ। फिर वो कहानी बता रहे थे, हमारे सर हमको डांटने लगे, रूम में जाओ सबको, सब लोग रूम में जाओ। हम दौड़ के आ गए रूम में, फिर उनको क्या कुछ कहानी बता रहे थे, ऐसे ऐसे किसका डेथ हुआ क्या हुआ ऐसे बोल रहे थे। फिर वो प्रिकेशन भी बोले, फिर हमारे सारे प्रिकेशन किया, करने के बाद सब कुछ नॉर्मल लगा।
उस रात तो हम सारे लड़का लड़की सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमको लग रहा था 100% ये भूत है, और जैसे वो बात कर रहे थे गांव वाले हमारे टीचर, हमको लगा ये भूत का काम है। उस दिन से हम बहुत डर गए, चाहे कुछ बोले एक आए दो आए हम बाहर नहीं जाते थे। वो शाम होने से पहले से अंदर ही रहते थे। खाना एक बार खाने के लिए सब लोग लाइन में आ जाते थे, खाना एक बार में होता था, एक बार एक लाइन में खाना खा के एक साथ उठ के रूम में चले जाते थे। वो क्या था मालूम नहीं, सारे बच्चे एक साथ जिन्होंने झेला ये सिचुएशन को।